मॉर्निंग वी आर गोइंग टू रीडिंग क्लास फर्स्ट क्लास टर्म वन सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर फाइव आई एम ए लिटिल पॉट टी पॉट। मैं एक छोटा सा चाय का पॉट हूँ। आई एम ए लिटिल टी पॉट। मैं एक छोटा सा चाय का पॉट हूँ। शॉर्ट एंड स्टाउट छोटा और मोटा। दिस इज़ माई हैंडल यह मेरा हैंडल है। एंड दिस इज़ माई स्पाउट और यह मेरी टोंटी है। स्पाउट मीन्स टोंटी। व्हेन द वाटर्स बॉइलिंग जब पानी बॉइलिंग यानी उबलता है। हियर मी शाउट मेरे को उसका चिल्लाना सुनाई देता है। जस्ट लिफ्ट मी अप मुझे उठाएं ऊपर उठाएं। एंड पोर मी आउट और मुझे बाहर डालें कैटल से कप में डालें। वी विल सी वर्ड मीनिंग स्टाउट मीन्स स्ट्रॉन्ग मजबूत। स्पाउट मीन्स पाइप और ट्यूब। स्पाउट मीन्स मैंने क्या बताया था टोटी ठीक है ना। ये स्पाउट मीन्स ये होता है स्पाउट मीन्स ये होता है और स्टाउट मीन्स ये होता है। प्योर मीन्स होता है मेक टी फ्लो चाय को ये डालते हैं ना इसको फ्लो कहते हैं है ना टी को डालना। We will see assignment, understanding test, text को समझना, tick on the right choice पर tick करना है। Little teapot is short and stout, छोटा और मोटा ठीक है इस पर tick करना है। Tea pot short on water when it start, जब boiling होता है पानी तब यह चिल्लाना shout means चिल्लाना। टी पॉट पोर आउट टी पॉट से किसको पोर आउट करना है टी को चाय को। टू पार्ट ऑफ टी पॉट के दो पार्ट लिखना है टिक लगाना। हैंडल एंड स्पाउट मीन्स टोंटी। राइट एनी फोर लाइन ऑफ द पोयम का फोर लाइन यहाँ पर लिखना है। आई एम ए लिटिल टी पॉट शॉर्ट एंड स्टाउट। This is my handle and this is my spout. Complete the word. ये word आधा लिखा हुआ है बीच में blank से इसको complete करना। Tea pot, handle, boiling, spout, pour out. Answer the following question. How is the teapot? Teapot is little. कैसा है टी पॉट कैसा है लिटिल छोटा सा है। नेम टू पॉट ऑफ द टी पॉट के दो पार्ट लिखना है। टू पार्ट ऑफ टी पॉट आर हैंडल एंड स्पाउट मीन्स टोटी। हाउ डज द टी साउट क्या चिल्लाता है। जस्ट लिफ्ट मी अप मेरे को ऊपर उठाओ। एंड प्योर मी आउट और मेरे को बाहर डालो बाहर निकालो। गिव द वर्ड राइमिंग विथ आउट आउट से मिलता हुआ राइमिंग वर्ड हमको लिखना है। तो स्पाउट स्टाउट एंड शाउट। राइट द नेम थ्री दीज वर्ड्स बिलो देयर पिक्चर नीचे जो पिक्चर दिया गया है इन वर्ड्स के हमको नाम लिखना है। पीकॉक peacock पीकॉक। स्पैरो sparrow स्पैरो। ईगल eagle ईगल। एंड हैन hen हैन। नाउ राइट दीज नेम इन अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हमको इनको जमाना। तो फर्स्ट में ई आता है तो ईगल। फिर ई के बाद ई एफ जी एच आता है तो हैन। एच के बाद पी आता है पिकॉक। एंड पिकॉक के बाद स्पैरो एस आता है तो स्पैरो। राइट द नेम दीज फूड बिलो देयर पिक्चर जो पिक्चर दिया गया है इन फूड्स के नेम बताना है। ये क्या है बर्गर है
ठीक है ना, ये पिज्जा है, ये सैंडविच है एंड ये केक है. नाउ राइट दीज नेम इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर. अल्फाबेटिकली ऑर्डर में फर्स्ट में बी आता है तो बर्गर लिखेंगे, फिर बी के बाद सी आता है तो केक आएगा यहाँ पर, फिर पिज्जा आता है तो पिज्जा आएगा यहाँ, फिर पी के बाद एस आता है, पी क्यू आर एस, एस आता है तो सैंडविच हो जाएगा. ठीक है, ग्रामर देखेंगे. यूज़ ए एन ओ, ए और एन और दी, दी फिल इन दी ब्लैंक्स. फिल इन दी ब्लैंक्स में ए एन और दी को फिलअप करना है. तो आपको ए किधर लगता है, जो कॉन्सोनेंट होता है उसके बिफोर में ए होता है, और एन किधर लगता है, जो वोवल्स होता है उसके पहले एन का यूज़ होता है. एंड दी का यूज़ होता है किसी भी प्लेस सिटी जिस थिंग्स के नेम के आगे दी का यूज़ होता है. ठीक है, ये ऐसे ए क्या है, वोवल्स है इसलिए एन का यूज़ हुआ. एन एस ए टेबल, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है इसलिए ए का यूज़ हुआ है. एलिफेंट ई वोवल्स है तो एन का यूज़ हुआ है. सी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए का यूज़ हुआ है. फॉक्स एफ कॉन्सोनेंट है इसलिए ए का यूज़ हुआ है. सी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए का यूज़ हुआ है. यू वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई एंड ओ एंड यू, इनसे स्टार्टिंग जो वर्ड्स होते हैं उनके आगे एन का यूज़ होता है. दी बी आई बी एल ई बाइबल, बाइबल क्या है, एक ग्रंथ है इसलिए उसके आगे दी का यूज़ होता है. लुक एट द पिक्चर एंड मेक सेंटेंस, इस पिक्चर को देखना है और हमारे को सेंटेंस बनाना है. तो दिस इज़ ए पैरट, यह पैरट है. ठीक है, पैरट एंड डियर आर फ्रेंड, पैरट और ये डियर है. हिरन को डियर कहते हैं और तोते को पैरट कहते हैं, तो पैरट एंड डियर फ्रेंड्स हैं. आई एम ए टीचर, ये बोलते मैं टीचर हूँ. मैच द पिक्चर विद देयर प्रोफेशन, ये पिक्चर बन और ये प्रोफेशन के नेम लिखा हुआ है, उनके काम के नेम लिखा हुआ ये पिक्चर बना हुआ था. बारबर मींस नाई होता है, ये देखो हेयर कटिंग कर रहा है. ठीक है ना, और पेंटर, ये देखिए पेंटिंग कर रहा है. सोल्डर देखिए सिपाही गन चला रहा है, और डॉक्टर है ये. ठीक है, दैट्स ऑल.